कैसे आप लोग, आई होप आप सब बहुत ही अच्छे तो और भी अच्छा करने लेके आई आपके रेड से बहुत ही धमाकेदार वीडियो। तो जैसा कि आप लोगों को पता है लॉकडाउन चल रहा है, हम लोग बाहर नहीं जा सकते और हमारे लिए अच्छा भी है। तो यार घर पे खाली बैठे बोर हो रहे थे, आई होप आप लोग भी घर पे बैठ के आराम से मजे ले रहे हो, आराम कर रहे हो यार। तो क्या हुआ है कि आज ना मैंने प्रैंक करने की सोचा है, बाहर जाके प्रैंक तो हो नहीं सकता, तो मैंने सोचा यार कॉल प्रैंक ही क्यों ना कर दिया जाए, किस पे, यश चौधरी पे यार। तो आज की जो वीडियो की रिएक्शन है वो बहुत ही फनी आने वाला है, क्योंकि मेरी जो स्टोरी है ना वो बहुत मजा आने वाला है आपको। तो एक काम करते हैं, बंदे को कॉल लगाते हैं, ठीक है, फोन ऑन करते हैं, देखते हैं क्या रिएक्शन होते हैं। स्टोरी आप देख लेना क्या होगा, मतलब मजा आ जाएगा वीडियो में आप लोगों को। इस नलायक बेकार आदमी को फोन लगाया जाए। गाइस वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको बिटकॉइन का तो पता ही होगा, लाइक 2012 में 1000 रुपीज और 2000 रुपीज में बिकता था। आज जो एक बिटकॉइन की वैल्यू है ना यार, वो 6 लाख रुपीज हो गई है। उसी तरह क्रिप्टो करेंसी आई थी यार, लाइक यम कोइन नाम है उसका, लेकिन उसका जो प्राइस है ना वो आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा कम हो गया। 60 रुपीज में यार बिकता जा रहा है, इसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम हो गई है। ये कॉइन फ्यूचर में 500 टाइम्स और 600 टाइम्स बढ़ेगी इसकी वैल्यू, मुझे पता है। अगर आपको इंटरेस्ट है परचेज करने के लिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर अपना नाम और अपना ईमेल आईडी से और अपना मोबाइल नंबर से इसे रजिस्टर कर सकते हो। ये कंपनी वाले डायरेक्ट आपको कांटेक्ट करेंगे, आप इन लोगों से बात कर सकते हो और ये सारी डिटेल्स इंफॉर्मेशन लेकर आप वहां से इसे परचेस कर सकते हो। सो आप इसे चेकआउट कर सकते हो, इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके चेकआउट करो। हेलो, हाय, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ यार, तुम्हें तो याद ही नहीं आती है मेरी। मुझे तो लगा यार 2-3 दिन से मतलब गई हूँ मैं, जब से बात ही नहीं हो रही है, बंदा भूल ही गया है। स्विच ऑफ क्यों, स्विच ऑफ आ रहा था? वैसे मेरे को पता लग गया कि तुम मुझसे क्यों बात नहीं कर रहे थे दिनों से यार। क्या कर दिया तुमने, मैं बताऊँ तुमने क्या कर दिया? जो तुमने किया है ना, मुझे तुमसे बिल्कुल भी ना सीरियसली यश उम्मीद ही नहीं थी जो तुमने किया है। अब यार घर में हूँ, प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता और इस वजह से बात नहीं कर पा रहा हूँ, और कोई बात नहीं है यार। घर पे क्या प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता है, तुमने जो किया है ना मतलब अनएक्सपेक्टेड यार, मतलब मेरे को उम्मीद ही नहीं थी कि, मतलब मैं सोचती हूँ कि मैंने गलती कर दी कि तुम्हें अपना दोस्त बनाया। Are you serious? हाँ मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ यार, तुम्हें कर्फ्यू लगा हुआ है, तुम्हें ऐसा लग रहा है मैं मजाक के मूड में हूँ? इतनी सीरियस चीजें चल रही है आजकल लाइफ में, तुम्हें तो पता ही है। नहीं तुम बात कर रही हो, ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं ये बात कर रही हूँ कि तुम ना बस बहुत ही बुरे हो यार, अनएक्सपेक्टेड यार, मैंने सोचा भी नहीं था तुम कभी ऐसा कर सकते हो। सीरियसली क्यों किया तुमने ऐसा यार? कर्फ्यू लगा हुआ है, लॉकडाउन चल रहा है, कोई घर से बाहर नहीं जा सकता है, तुम्हें पता है ना हमारी सेफ्टी के लिए सब कुछ हो रहा है, और तुम कर्फ्यू में भी ऐसे काम कर रहे हो। मतलब तुम्हारी फोटोज आई है मेरे पास, ठीक है? हाँ मेरे पास फोटोज आई है तुम्हारी, हाँ लाल लाल रंग की मेरे पास तुम्हारी सारी फोटोज आई है, जो तुम करतूते कर रहे हो ना। ये मत सोचो कि मैं हरियाणा में हूँ और तुम दिल्ली में हो तो तुम कुछ भी करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा। मतलब यार मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, तो अब तुम्हें क्या बात करती हो प्लीज यार, थोड़ा खुल के बताओगे जरा? यार खुल के क्या बताऊँ, मैं तो खुली हुई हूँ, मैं बता तो रही हूँ कि तुमने जो किया है ना वो बहुत बुरा किया है। तुम्हारे खुद के फ्रेंड ने मुझे सारी फोटोज भेज दिया तुम्हारी, जो तुम्हारी रेड कलर की फोटोज जो तुम कर रहे हो ना करतूते कर्फ्यू में भी, लॉकडाउन में भी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें बिल्कुल। हद क्या होती है, उम्मीद नहीं थी यार तुमसे यश, सीरियसली यार मन तो कर रहा फोन काट दूं और भाग जाऊं। यार मेरे पास फोन काटने वाला था, मैंने लिखा हुआ है मेरी गलती क्या भाई, मैंने क्या कर दिया यार? तुम कर्फ्यू में बाहर क्यों गए जब तुम्हें पता है लॉकडाउन है, पूरा इंडिया क्या चल रहा है पूरी दुनिया में, तुम बाहर क्यों गए? बाहर नहीं जा रहा, मैं तो सामान वामान लेने के लिए जा रहा हूँ। सामान लेने ही क्यों गए? मुझे तुम्हारे दोस्त ने तो फोटोज भेजे है कि तुम आटा लेने गए थे और सूजी लेके आ गए। ओह नो, मतलब तुम्हारे दोस्त ने बताया वो तुम्हारे तुम्हारी जो रेड रेड फोटोज आई है ना कि उन्होंने तुम, मैंने सुना है कि तुम्हें डंडे मार के तुम्हारे पिछवाड़े यार, यही तो तुमने किया है कि तुम बाहर क्यों गए, तुम नियम का पालन क्यों नहीं कर रहे हो? अब सूज गए ना पिछवाड़े, दर्द हो रहा होगा ना बहुत ज्यादा। मेरी फोटो नहीं है, हाथ धोके मैं, मेरी फोटो नहीं है।
सारी फोटोज भाई मेरी बात सुनो, तुम्हारी फोटोज है, तुम आटा लेने गए थे, तुम सूजी लेके आ गए, जब तुम्हें पता था कि आटा लेने में भी इतनी दिक्कतें हैं, गली में भी पुलिस वाले खड़े हैं, तो तुम आटा लेने गए ही क्यों? अब तुम बताओ, अब तुम सूजी लेके आए हो तो क्या मुझे दुख नहीं होगा? अबे नहीं तो क्या फोटो आई है, मुझे बताओ। मुझे फोटो तुम्हारी लाल से लाल टमाटर की तरह तुम्हारे पिछवाड़े हो गए, ऐसी तुम्हारी फोटो आई है, तुम्हारे दोस्त ने भेजी। तुम्हारा फेस यार, तुम्हारे फेस के साथ, तुम्हारे उसके साथ, बम के साथ फोटो लगी हुई है मेरे पास, आगे तुम मानते ही इसलिए आज के बाद मेरी सुनो, इसलिए आज के बाद आटा लेने का बहाना करने मत जाना, वरना घर पे सूजी लेके आ जाओगे, ठीक है? चैन से कैसे बैठ जाओ, एक फ्रेंड स्टार चाहे घर पे हो चाहे बाहर हो, चैन से कैसे बैठ सकता है? तुम बताओ, तुम्हें तो पता है। ये पाप ही तो है जो सूजी लेके आए हो तुम, दर्द हो रहा होगा ना? अच्छा पता है तुम्हें यार, तुम्हें पता है घर पे ना मजे नहीं ले रही मैं यार, तुम्हें तो पता है घर पे मन नहीं लग रहा था, टाइम पास नहीं हो रहा था, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, कहीं जा तो सकते हैं नहीं, कहीं जा तो सकते हैं नहीं, तो मजबूर है यार, फोन चला के मूवीज देख के मैं बोर हो गई थी, मैंने सोचा कॉल प्रैंक कर दिया जाए, और किस पे कर दिया जाए, यशोत्री पे कर दिया जाए यार, अब क्या करूँ यार, तो यार यार अब क्या कर सकते हैं, देखो मन नहीं लग रहा, और तुमसे बात करके मन भी लग रहा था, फिर मैंने सोचा तुम पे ही प्रैंक कर देती हूँ, चलो। हाँ यार यार आटा सूजी का कंसेप्ट बहुत अच्छा है यार, अब लोग क्या करते हैं कि तेरा बंदा इसके साथ भाग गया, तेरी बंदी उसके साथ भाग गई, तो ये बड़ा कॉमन हो चुका है ना यार, है ना? और सारे प्रैंक हम सोच सोच के एक दूसरे पे कर चुके हैं, तो मैंने कहा यार इससे बढ़िया कंसेप्ट कोई नहीं हो सकता है, और यार आटा सूजी वाला सीन बड़ा चल रहा है, तो आप लोग भी घर पे सेफ रहो, अगर बाहर जाओगे ना आटा लेने का बहाना करने तो सूजी लेके आ जाओगे, पक्का बता रही हूँ, ठीक है? बस यार क्योंकि मेरे अभी गली में ना दो तीन लड़कों को डंडे पड़े हैं, तो ऐसे बोल रहे थे पुलिस वालों को कि हम ना आटा लेने गए थे, ठीक है? अब वो लेके आ गए सूजी। हाँ उनके पिछवाड़े भी डंडे पड़े हैं, तुम्हें पता ना मैं गली में खड़ी हुई थी, तो मतलब मेरे भी लाल हो जाते, बस बहुत मुश्किल से मैं भाग के अंदर आ गई, वरना मेरी भी सूज जाती सच में। ठीक है अच्छा मैम, मैं प्रैंक कर रही थी यार तुम पे, ठीक है? तू बुरा तो नहीं लग रहा, तुम्हें आटा सूजी ठीक है, मैं दो दिन बाद फिर प्रैंक करूंगी सोच रही हूँ, जब तुम्हें बुरा ही नहीं लगा तो कुछ और सोचूंगी। चलो कोई बात नहीं, अब ठीक है, इतना ज्यादा मेरी वीडियो बड़ी हो रही है, ठीक है? अब चलो फोन रखो और आउट्रो देने दो मुझे, ठीक है? पब्लिक को बोल दो मिस कर रहे हो तुम बहुत ज्यादा, जैसे मैं कर रही हूँ। चलो ठीक है, ठीक है, ओके बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय, यू टू, बाय। तो गाइस आटा सूजी आई होप आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी, तो प्लीज यार घर पे रहना, सेफ रहना, क्या है ना आटे का बहाना तो बिल्कुल मत करना वरना सूज जाएगी, सच बता रही हूँ। आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी, सबसे पहले तो यार बता देना कमेंट करके अगर आपको कॉल प्रैंक्स और चाहिए, क्योंकि घर पे तो यही हो सकता है, कॉल प्रैंक्स चाहिए तो उसके कंसेप्ट कंटेंट आपको जो भी लगे आप मुझे बता के कमेंट कर सकते हो कि कैसे प्रैंक्स आप चाहते हो, लेके आएगा आपके लिए नई नई अच्छी अच्छी वीडियोज। बाकी आई होप आपको पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, लव यू ऑल।